जशपुर वनमंडल में हरियाली की सुरक्षा को लेकर वनवासियों के हितों की रक्षा करने जनजातीय सुरक्षा मंच ने जंगल के आसपास आग की रोकथाम के लिए मोर्चा तो संभाला है, लेकिन इसके बाद भी हाथियों का उत्पात, जगह जगह वनों में आग के साथ अवैध कटाई के मामले सामने आ रहे हैं। अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जशपुर वन मंडल के सभी फॉरेस्ट गार्ड और डिप्टी रेंजर की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। हड़ताल से हरे भरे जंगलों की कटाई बढ़ गई है। जंगल में आग लगने से वन्य प्राणियों पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के अभाव में वनों की बर्बादी पर गहरी चिंता जताई जा रही है। सरकार से मैं मांग करता हूं और जो वनकर्मी जो हड़ताल पर हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। एक तरफ हाथी का आतंक, दूसरे तरफ अवैध कटाई और तीसरा ये जंगल में जो आग लग रहा है। वनकर्मी अगर इस प्रकार से लगातार हड़ताल पर रहेंगे तो जंगल का तो सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि वनकर्मी जो मांग कर रहा है उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। अभी हम लोगों ने देखा कि जशपुर में वनकर्मी अपने 12 सूत्री मांग को लेकर के हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये एक वन की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय है। और अभी महुआ का सीजन है और कई प्रकार की जरूरतें, जितने भी पतझड़ के पेड़ पत्तियां जो हैं वो जंगलों में गिरी हुई हैं और लगातार जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यदि वन कर्मी इसी तरह से हड़ताल पर बैठे रहेंगे तो जशपुर के जंगलों को या प्रदेश के पूरे जंगलों को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई संभव नहीं होगी। प्रशासन से किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है। कुछ कुछ मांगों पर उन्होंने सहमति दर्शाई है, लेकिन हमारा जो मुख्य मांग है वेतन विसंगति, जो अभी तक उन्होंने एक बार भी उसके लिए कोई प्रकार की सहमति नहीं दर्शाई है। और हम चाहते हैं कि हम जितने वनकर्मी इतने बिहड़ जंगलों में सेवा देते आ रहे हैं इतने साल से, लेकिन हमारा वेतन मात्र कम ही है, जिससे हमारे परिवार का गुजारा भी नहीं चलता है हमारे कर्मियों का। अभी हड़ताल अवधि में हमारे पास ब्लोअर उपलब्ध है और फायर वाचर, उसमें उनको ट्रेनिंग दी गई है। फायर वाचर हैं और जो सुरक्षा श्रमिक है, जो कार्यालयीन है और फील्ड में, नर्सरी में, प्लांटेशन में, उन सबकी टीम बना दी गई है। 2-3 पालियों में टीम बनी हुई है और इनको ट्रेनिंग फायर बुझाने की पहले से दी जा चुकी है। उनके सहयोग से अभी